हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। आज की वीडियो बिल्कुल बिल्कुल रेलेवेंट है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो जून 2021 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो उन सब लोगों के लिए जो जून 2021 में एग्जाम दे रहे हैं। हम यहाँ पर एवीजे अकेडमी के अंदर एक बैच लेके आए हैं, दैट इज फास्ट ट्रैक रिविजन बैच। फास्ट ट्रैक रिविजन बैच स्पेसिफिकली फॉर जून 21। मैंने स्टूडेंट्स से वरिड किया, अब तो हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, हमारी प्रिपरेशन अगर प्रॉपर नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो आप लोगों के लिए ये बैच है, इसमें आपका सीए फाउंडेशन का जो कोर्स है वो एंटायरली कवर होगा। एंटायरली मीन्स 100% कवरेज इन जस्ट जस्ट 50 डेज, अराउंड 50 डेज या 50-55 डेज में हम पूरा का पूरा कोर्स आपको कवर करा के देंगे। जो बैच स्टार्ट हो रहा है, कब हो रहा है, 22nd अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। 2 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो गए, इट विल एंड अराउंड 31st ऑफ मे। ओके, और इसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट कवर होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर्ड इन द क्लास इटसेल्फ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये जो बैच है ये पूरा का पूरा कैसा है, फेस टू फेस बैच है। तो जो भी बच्चे को ये प्रॉब्लम है कि उसकी क्वेरी कहीं ना कहीं अनएंटरटेन रह गई, या फिर वो सेल्फ स्टडी कर रहा था और अब उसे एक फ्लो चाहिए एग्जाम के लिए, बिकॉज एग्जाम जून 2021 में अप्रोच होने वाले हैं, तो उसके लिए बैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। ओके, तो फेस टू फेस बैच एट लक्ष्मी नगर एवीजे अकेडमी। यू कैन कॉन्टेक्ट एवर अंडर साइन नंबर जो आपको नीचे दिख रहे हैं, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं वहां पर बींग एन अकाउंटिंग फैकल्टी, आपका सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग सब्जेक्ट पूरा का पूरा कवर कराऊंगा इन जस्ट 50 डेज, जिसमें मैक्सिमम सारे क्वेश्चन जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं या फिर जो मेरे स्टडी मटेरियल में है वो भी आपको यहां पर प्रोवाइड होगा, उसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड हैं। फास्ट ट्रैक का मतलब बस इतना सा है कि आपको हमारी क्लासेस के साथ साथ कवरेज करनी है। अगर आपके एफर्ट्स भी साथ साथ होते हैं तो बहुत ही सीमलेसली क्लासेस चलेंगी। ऑब्वियस ही बात है, 2 मंथ्स के अंदर आपको सारा कोर्स कवर कराना है तो आपको उतना एफर्ट्स जरूर देने पड़ेंगे, बट हमारी तरफ से 100% कॉन्सेप्ट की कवरेज होगी। तो अगर हम अपने चैप्टर्स की बात करें, चाहे वो चैप्टर्स आपने कभी स्कूल लेवल पे पढ़े हुए हैं वो भी दोबारा से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, या फिर जो न्यू चैप्टर्स हैं कभी बच्चे ने कहीं पर भी नहीं पढ़े हुए वो सब सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये सब चैप्टर्स हम बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से करने वाले हैं। तो नो नीड टू वरी कि सर एक चैप्टर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता वो कैसे कवर होगा, हर चैप्टर यहां पर स्क्रैच से कवर होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैंक पासबुक क्या होती है, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिकंसिलिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, किस टाइप के एरर्स को हम यहां पर रेक्टिफाई करते हैं, हर एक चीज को बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो। इवन पार्टनरशिप अकाउंटिंग विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन यूर +2, कंपनी अकाउंट्स, उसमें इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विल बी स्टडीड स्क्रैचली, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं। सो नो नीड टू वरी, दिस बैच इज वेरी मच यूजफुल फॉर यू। और आपके एग्जाम के अंदर इवन मार्क्स एनहांसमेंट की अगर हम बात करें, या फिर जिसको कुछ डर सा लग रहा है कि सर हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं और हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं है, बिलीव मी दिस विल बी अ बून फॉर यू। ये पूरा का पूरा कोर्स आप जैसे लोगों के लिए ही हमने डिजाइन किया है, जिसमें बच्चे बिल्कुल फ्लो में आ जाएं और अपकमिंग एग्जाम को वो वन शॉट में बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स से क्लियर करने वाले हैं। फाइन, और भी अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, जो न्यू चैप्टर्स हैं, बेसिकली गुड सेंट ऑन अप्रूवल और बी इट अकाउंट करंट, एवरेज ड्यू डेट, आपको कोई चैप्टर जीरो भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं आता तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर जीरो मान के ही चल रहे हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक कॉन्सेप्ट को कराया जाएगा, नो नीड टू वरी एट ऑल, बट आपकी हमारे साथ पेस मिल जानी चाहिए, मतलब आपको एफर्ट्स पुट करने होंगे। क्वेश्चंस भी मोर और लेस हम सारे के सारे क्लास इटसेल्फ में कवर करने की कोशिश करेंगे। और भी जितने भी चैप्टर्स बचे हुए मैं सारे चैप्टर्स के यहां पर नाम नेम लिख देता हूं, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्रीज, जिससे कि आपको कोई भी एम्बिग्यूटी यहां पर ना रहे, सारे के सारे चैप्टर्स, ये जो हमारे बुक के चैप्टर्स हैं आप यहां पर देख सकते हो, ये पूरे के पूरे चैप्टर्स यहां पर कवर होने वाले हैं। ओके, थ्योरेटिकल चैप्टर्स जिसमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, बीआरएस, इन्वेंटरी, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस, अप्रूवल बेसिस, कंसाइनमेंट, एवरेज ड्यू डेट, अकाउंट करंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन,
ये सब के सब जो आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल कवर करने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक प्रेजेंटेशन क्लास भी ऑफर होगी जिसमें हाउ टू प्रेजेंट द पेपर भी हम आपको समझाएंगे। बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स के पेपर के अंदर आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। बच्चे जो मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ एरर्स कर देते हैं और उनके वहां पर मार्क्स कट जाते हैं, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स यूर अकाउंटिंग पेपर, बिकॉज यू नो दिस इज अ 100 मार्क्स पेपर एंड दैट टू सब्जेक्टिव, इधर आपको पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो उसके लिए हमें फ्लो में आना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस में आना बहुत जरूरी है। अगर हमारी प्रैक्टिस लैग करती है तो अल्टीमेटली इफेक्ट हमारे एग्जाम पे आता है। ओके, और साथ में प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए वो मैं आपको क्लास के अंदर बताऊंगा। तो मिलते हैं फटाफट से क्लास में, सब लोग फटाफट से इसको एनरोल करा लो एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो क्लास में सारी की सारी एंटरटेन होंगी, बिलीव मी। तो ये आपका पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इवन आप पूरे कोर्स के लिए एनरोल करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, बिकॉज ये आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ऑफर हो रहा है और फेस टू फेस क्लासेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइन, सो गुड बाय, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं अपने बैच में।